हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहस पढ़ाई में मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर बेसिक आईसीटी स्किल्स आईसीटी क्या होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा चल रही है, है ना और इसके बिना तो हमारी इकोनमी या फिर हमारा कुछ भी चल ही नहीं सकता ऑब्वियस ही बात है इंफॉर्मेशन ना मिले तो क्या हमारी कोई भी सिस्टम रन कर पाएगा नहीं कर पाएगा कम्युनिकेशन ना हो तो क्या हमारा कोई प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर हो पाएगा या फिर क्या हमारे जो बाहर के देशों के साथ रिलेशन है वो अच्छे से हो पाएंगे साबित मतलब क्या वो अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे या फिर मीडिया चल पाएगा नहीं चल पाएगा सो so, इसलिए आईसीटी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो हम बेसिक आईसीटी स्किल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे ठीक है और ये मैंने सारा सब कुछ आपका जो सिलेबस है ना उसमें से देख के ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ भी मिसिंग नहीं है ठीक है अगर आपको सिलेबस देखना है तो सी बी एस ई अकेडमिक्स की साइट पर जाओगे वहां पर होम पेज पे स्किल एजुकेशन का आपको दिख जाएगा तो वहां पर आपको आई टी का सिलेबस मिलेगा और बाकी मेन सब्जेक्ट्स में नहीं है ठीक है तो यूनिट वन अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो ऑपरेट करता है ऑपरेट मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है क्या ये सॉफ्टवेयर है जैसे मैं यूजर हूँ मैं शूट कर रही हूँ कंप्यूटर पे ठीक है मैं यूजर ये मेरा कंप्यूटर और हम दोनों के बीच में एक मीडियोकर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं मैं अपनी भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम को बताऊंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को बताया कि यूजर को क्या चाहिए कंप्यूटर में से इस टाइप से आप समझ सकते हो ठीक है अब के क्या होते हैं है, को है. है, है तो कोई एप्लीकेशन चलता है, नहीं है ना लोडिंग लोडिंग फिर लिखता है नॉट एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा है कि हमें कि आ, हमारा जो डिवाइस है कोई एप्लीकेशन है अच्छे से फंक्शन कर रहे नहीं और ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है कंप्यूटर में उनको कंट्रोल करके रखता है सारे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की जो मेमोरी है रैम रोम वगैरह उन सभी को मैनेज करता है आपके कंप्यूटर में कितनी फाइल्स ने कितना स्पेस घेरा हुआ है कितना डिस्क स्पेस घेरा हुआ ट्रैक रखता है ये और ये अलाउ करता है आपको कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए कॉपी मूव डिलीट फाइल्स करने के लिए ठीक है अब ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारे टाइप्स के होते हैं जैसे पहला होता है इंटरक्टिव जी बेस्ड अब जी की फुल फॉर्म आती है ग्राफिक

नेक्स्ट है सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कि एक यूजर है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लेकिन मल्टीपल टास्क कर सकता है एक ही टाइम पे ठीक है और मल्टी यूजर क्या होता है ये क्या करता है मल्टीपल यूजर्स को काम करने की अनुमति देता है एक कंप्यूटर पे वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ठीक है रियल टाइम क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो मशीन हो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना उनको कंट्रोल करता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रोबोट को कंट्रोल करता है उनकी वर्किंग उनकी मशीनरी कंट्रोल करता है अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कंबाइन करता है इकट्ठा करता है एक नेटवर्क के अलग 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 कंप्यूटर्स को और उसको एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर में वो डाल देता है और स्टोरेज लोकेशन भी लोकेट करता है एग्जाम्पल देखो विंडोज और ठीक है, इन सब के भी example है, जैसे रियल टाइम का विंडोज सी है, और इसमें सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग में भी विंडोज एप्पल एम एस सीओ एस और उसमें भी विंडोज है तो इनके एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लेना ये आता है ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना ये आता है आप इसमें बोर्ड का पेपर भी देख सकते हो कि इसमें बोला हुआ है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ तो ये आप याद कर लेना और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज हो गया लिनक्स हो गया मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं एम एंड्रॉयड आईओ विंडोज फोन और सिम्बियन इस तरीके से बाकी ज्यादातर तो आपको पता ही होंगे क्योंकि आप ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आज कर स ऑफ विंडोज सेवन डेस्कटॉप अब जैसे विंडोज सेवन डली हुई है मान लो आपके डेस्कटॉप में जैसे अब टेन बी है इलेवन बी है और भी शायद आ गई होंगी अः uh, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि विंडोज 11 के बाद आई है कोई नहीं आई तो जैसे विंडोज 7 डली हुई है आपके डेस्कटॉप पे तो उसको क्या क्या कॉम्पोनेंट है तो आप बताते हैं ना विंडोज 7 पे हमें क्या क्या दिखता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है मैंने देखा उसमें आपको डेस्कटॉप देखने को मिलेगा मतलब आपकी पहली स्क्रीन जो आपके मॉनिटर पे आती है ना उसको आप डेस्कटॉप बोलते हो फिर जो आपने वॉलपेपर लगाया होगा या फिर जो प्री डेटा माइंड फिर डिफॉल्ट वॉलपेपर होगा आपके डेस्कटॉप पे वो आपको दिखता है विंडो सेवन खोलती उसके बाद आईकन दिखने लग जाते हैं। जो ये आपके डेस्कटॉप पे नीचे वाली एक बार होती है लंबी सी उसको हम टास्क बार कहते हैं जिसके ऊपर आपका स्टार्ट बटन एक्टिव एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डेट और टाइम आइकन आता है।, है ना अब कुछ कॉमनली यूज आइकन कौन कौन से होते हैं आपके कंप्यूटर में वो देख लेते हैं जैसे एक तो सबसे पहले माय कंप्यूटर हो गया माय कंप्यूटर में आपके जितने भी ड्राइव फाइल्स फोल्डर है आपके कंप्यूटर में वो आ जाते हैं रिसाइकल बिन भी होता है जहां पर आपका डिलीटेड कंटेंट होता है ना अब हम देखेंगे फाइल के कंसेप्ट को देखो फाइल क्या होती है जो भी आप अपने कंप्यूटर पे स्टोर करते हो वो एक फाइल की फॉर्मेट में होता है जैसे मान लो आपने एक्सेल पे काम किया तो वो ई डॉट ई एक्सएल नाम से फाइल आपकी सेव हो गई ठीक है जो भी आपने एक्सेल पे काम किया फिर आपने वर्ड पे किया तो डी और सी एक्स नाम से आपका सेव हो गया एच HTML पे काम किया तो डॉट एच टी एम एल सेव हो गया ठीक है uh, कोई इमेज डाउनलोड करी तो जेपी जे या फिर जेपीजे के नाम से सेव हो गया या फिर PNG के नाम से सेव हो गया ऐसे मल्टीपल फाइल्स मतलब जो भी डाटा आपके कंप्यूटर पे सेव होगा ना वो या फिर स्टोर होगा वो किसी फाइल फॉर्मेट में ही होगा है ना अच्छा अब आप उन सभी फाइल्स को एक जगह लोकेट जैसे मान लो सौ में से आपकी दस फाइल्स जो है वो आइडेंटिकल हैं ठीक है तो आप चाहते हो कि उन सौ फाइल्स में से इन दस फाइल्स का मैं एक फोल्डर बना दो ठीक है ताकि मेरे को ईजी हो इन सबको मतलब एक्सेस करने में तो आप फोल्डर भी बना सकते हो फोल्डर कैसे बनाना है आपको अच्छा कई बच्चे पूछते हैं कि इनके वो आएंगे स्टेप्स आएंगे तो देखो आपका जो कंप्यूटर या फिर आईटी का सिलेबस है ना उसमें दो पार्ट है थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी सो so, मैम जो है वो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगी लैब्स में आपकी स्कूल टीचर्स और मैं थ्योरी आपको कराऊंगी ठीक है तो थ्योरी में आप जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेप्स याद हो जाएंगे कि यहाँ पर जाके ऐसे ऐसे करना है ठीक है और थ्योरी में आपको सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो मैं लिख लूँ ठीक है तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना अपना ओके क्रिएटिंग अ फोल्डर फोल्डर कैसे क्रिएट क्लिक कर, मतलब क्रिएट करोगे एक तो कंप्यूटर पे आपको डबल क्लिक करना है या फिर आप राइट right क्लिक करोगे वहां पे एक आपको uh, लाइक like, वो शॉर्टकट मेन्यू दिखेगा न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना और फिर आपका आ जाएगा आप राइट क्लिक करना इसमें डबल क्लिक लिखा हुआ है ये विंडो सेवन का बता रहे होंगे बट तो आप राइट क्लिक करोगे फिर उसके बाद आप जो है न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे और फिर आप अपना नेम लिख देना और एंटर की है ना तो आपका फोल्डर बन जाएगा ओके तो इस तरीके से राइट क्लिक वाला वैसे यहाँ पर भी आ गया है ओके ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा दिस वन तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना दैट्स इट ओके क्रिएटिंग अ फाइल अब आप फाइल कैसे क्रिएट करोगे आप कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना शॉर्टकट मेन्यू होगी न्यू और सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं आप जो भी फाइल बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो अब आप फोल्डर को कैसे रिनेम करोगे या फिर फाइल को कैसे रिनेम करोगे सिंपल क्लिक राइट क्लिक ऑन द फाइल और द फोल्डर विच यू वॉन्ट टू रीनेम एंटर योर न्यू नेम विच यू वॉन्ट टू हैव ऑन योर फाइल और फोल्डर और क्लिक एंटर इस तरीके से आप दबा दें इस तरीके से ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना इस तरीके से आप जो है अपने स्टेप्स खुद भी बना के लिख सकते हो डिलीटिंग फाइल और फोल्डर कैसे डिलीट करोगे राइट right क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो फोल्डर को राइट right क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स अप्यूर होगा डिलीट कर देना डिलीट ऑप्शन ठीक है और उसके बाद अगर दूसरा स्टेप करना है तो उसको पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को डिलीट ही प्रेस कर देना कीबोर्ड से तो ये डिलीट हो गया अब आप कॉपी कैसे करोगे फाइल और फोल्डर को आप कर सकते हो कॉपी या तो राइट क्लिक करके जो आपके डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें कॉपी कर लेना कॉपी का ऑप्शन आएगा और वहीं पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और नहीं तो फिर सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए कंट्रोल ए से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप क्या करना आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस कर लेना तो आपकी कंट्रोल uh, मतलब कॉपी हो जाए और दूसरा एक और ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप आप ड्रैग करके लाओ और ड्रॉप कर दो कहीं पर भी तो तब भी कॉपी हो जाएगा ठीक है तो इसमें मैंने आपको की बोर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड और शॉर्टकट मेन्यू बता दिए ठीक है अब उसके बाद मूविंग करनी है मूव करना आपको फाइल्स एंड फोल्डर को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर तो एक तो मूव करने के लिए आप कट का ऑप्शन यूज कर सकते हो मतलब कंट्रोल एक्स दबा सकते हो सी टी आर एल कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए होता है कंट्रोल एक्स जो है कट के लिए होता है कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए होता है तो कंट्रोल एक्स दबाओगे और उसके बाद फिर आप कंट्रोल वी कर देना पेस्टिंग के लिए है ना तो इस तरीके से मूव हो सकते है. ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वो ए, अच्छा, अगर मान लो आपने दबा दिया, लेकिन द, आ, दबाना भूल गया किसी आप पेस्ट करना भूल गए तो आपकी हमेशा के लिए वो फाइल डिलीट हो जाएगी फिर वो मिलेगी नहीं इजिली बिन में भी नहीं मिलेगी तो इट्स बेटर कि आप कंट्रोल से ही यूज कर लो कॉपी के लिए कंट्रोल एक्स के साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ठीक है परमानेंटली डिलीटिंग द फाइल अगर आपको परमानेंटली डिलीट करनी है तो आप रिसाइकल बिन में जाना और वहां पर एम टी रिसाइकिल बिन भी दबा देना मतलब जैसे आप कोई भी चीज डिलीट कर दो रिसाइकल तो बिन में आ जाती है बट अगर आपको रिसाइकल बिन से भी परमानेंटली हटानी है तो एम टी रिसाइकिल बिन कर देना और मान लो आपने कुछ चीज गलती से डिलीट कर दिया कोई फाइल या फोल्डर तो रिसाइकल बिन में जाना जिस चीज को आपको रिस्टोर करना है तो उसको सिलेक्ट uh, करना और फिर वहां पर एक ऑप्शन आएगा रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम और उसके बाद आप रिस्टोर कर लेना है ना अब बस हमारी इसमें ये यूनिट वन थी इस वाले चैप्टर की अब हम इसी चैप्टर की यूनिट नंबर टू भी सीखेंगे जो कि बहुत ईजी है ठीक है तो इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाए नाउ यूनिट टू इज अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस और कैसे करें अब देखो कंप्यूटर तुम इतना सड़ा के रखते हो उसको साफ कौन करेगा तुम ही तो करोगे नहीं तो फिर नया लाना पड़ेगा और नया भी कितना महंगा आता है तीस पैंतीस हजार का तो नॉर्मल आता है ना तो इसलिए अच्छे से केयर करनी और उसकी मेंटेनेंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी ज़़़ है अब कंप्यूटर सिस्टम जो उसको है उसको मेंटेनेंस चाहिए ताकि वो बिचार अच्छे से काम कर पाए पुअर मेंटेनेंस रखोगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा और रेगुलर केयर और मेंटेनेंस है तो आप कोई भी इशू अगर आपके कंप्यूटर में होगा तो उसके पहले ही स्टेज में आप उसको भाप लोगे कि हाँ ये दिक्कत आ रही है और उसको कुछ ना कुछ ऐसा करोगे ताकि वो अच्छे से फंक्शन करने लग जाए अब कंप्यूटर में वायरस वायरस आ जाते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर की वर्किंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है अगर एंटी वायरस इंस्टॉल होगा तो फिर वो अपडेटेड अगर टाइम पे रहता है अच्छे से वो काम भी करता है तो आप, आपका कोई भी डाटा का लॉस होगा नहीं इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट जो कंप्यूटर के होते हैं उन दोनों की आपको केयर करनी चाहिए जैसे कि एक तो अपने कंप्यूटर को डस्ट फ्री रखो इतनी इतनी तो धूल जमी रहती है फिर कीबोर्ड पे और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप चाहो तो कोई ऐसे से कपड़ा आ, कपड़े से आप साफ कर सकते हो या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे से लाइक like, डिवाइसेस आ गए जो स्क्रीन को क्लीन करते हैं है ना इस टाइप से कुछ भी कंप्यूटर के पास बैठ के खाओ पियो मत कीबोर्ड को क्लीन रखो आप अपने हैंड क्लीन करो यूज करने से पहले सीडी और डीवीडी को बहुत अच्छे से हैंडल करो ताकि वो डैमेज ना हो जाए कीबोर्ड को कवर कर देना अगर उसका यूज नहीं है तो और जनरल प्रिकॉशंस को जब आप साफ सफाई करो कंप्यूटर की तब कौन से प्रिकॉशंस आपको अपनाने चाहिए एक तो सबसे पहले कंप्यूटर का खटका बंद कर दो पावर ऑफ कर दो कभी भी स्प्रे डायरेक्टली मत करो कंप्यूटर पे कि स्प्रे करके डायरेक्टली कर दिया आपने स्प्रे आ, क्लीनिंग फ्लूड तो उस पर डायरेक्टली मत करो कीबोर्ड वगैरह के जो कीज़ होती है उसके नीचे वो चला जाता है ठीक है और या फिर स्पीकर्स वगैरह में चले जाएगा और लिक्विड जो होता है क्लीनिंग लिक्विड उसको सर्किट बोर्ड के पास भी मत करो और हो सके तो उसको लो ही मत सीधा कपड़े से आप साफ कर सकते हो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हो आप इंटरनल की एंटीवायरस आप रन करो ठीक है और उसके बाद जो आपके कंप्यूटर में डिस्क होती है उसके अंदर बहुत सारे केच डाटा होता है बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है जिनका आपको जरूरत नहीं होती और कुकीज होती है तो आप उन सबको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहा करो रेगुलर बैकअप जो है अपना लेते रहो ताकि अगर चांस कुछ भी डिलीट हो गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हो आपके सिस्टम में रैम और स्टोरेज स्पेस जो है इंटी मतलब अपग्रेड करो ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाते जाओ ताकि आपका कंप्यूटर जो है स्मूद फंक्शन कर सके और जो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं उसको हमें टाइम टू टाइम डिलीट करते रहने चाहिए है ना प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस कैसे वायरस से बचाओगे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि वायरस की आप फुल फॉर्म बताओगे क्रोनिम बताओगे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ठीक है ये इसकी फुल फॉर्म है और कंप्यूटर वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर है उसके प्रोग्राम से अटैच हो जाएगा और वो जो है आपके कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा स्लो ब्लॉक इस तरीके से कर देगा आपका डाटा भी उड़ा देगा आपके ईमेल मैसेजेस में अटैच हो सकता है पेन ड्राइव में अटैच हो सकता है तो इसलिए वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो फैल सकता है अगर आपको अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए उसको रन करना चाहिए पीरियडिकली और अपडेट करते रहना चाहिए एग्जाम्पल क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के वायरस स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एक हील हो गया इस तरीके से ये चैप्टर आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी आप आराम से कर दोगे ठीक है और कंप्यूटर किस किस वे में इन्फेक्ट हो सकता है इन्फेक्टेड फाइल्स के रूप में इनफेक्टेड पेन ड्राइव सी डी 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 रोम इन्फेक्टेड हो इन्फेक्टेड अटैचमेंट ऑफ ई मेल हो है ना आप कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल ऑन सी डी एंड डी बी डी इफ दे आर क्लोज फॉर राइटिंग अगर ये राइटिंग के लिए गई है आपकी सी डी और डीवी डी तब ये आपके सी डी और डी वी डी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता और आपके की बोर्ड माउस ऐसे ऐसे हार्डवेयर को ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता और क्या क्या साइन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है एक तो बहुत स्लो रन करेगा आपका कंप्यूटर फाइल साइज में चेंज आपको मिलेगा रिस्पोंडिंग में रिस्पोंड uh, करना बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर ज्यादा फाइल्स जो है वो इंक्रीज होने लग जाती हैं एरर का मैसेज आने लग जाता है स्क्रीन पे कंप्यूटर अपने आप से ही रीस्टार्ट होने लग जाता है तो ये जो है किसका uh, वो है Uh, संकेत ये वायरस है, ठीक है और फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सको या फिर रोक सको एक तो एंटीवायरस को इंस्टॉल करो यूज करो अपडेटेड रखो एंटीवायरस को सारी की सारी फाइल्स को स्कैन करो जो आप कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हो है ना और आप अनोन uh, पर्सन या फिर सेंडर के ई को ओपन मत करो और डोंट अलाउ एनी ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है उसे अपना सिस्टम यूज करने मत दो अब आप अपनी टेम्पररी फाइल्स जो होती हैं उसको आप कैसे रिमूव करोगे एक तो फाइल्स जो है है वो बन जाती आपके कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करते हो तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और प्रोग्राम है वो डॉट माइक्रोसॉफ्टीएम फाइल बनाते हैं एज अ टेम्परेरी फाइल है ना जैसे एच टी एम एल डॉट एच टी एमएल फाइल बनाता है ना वैसे ही टेम्परेरी फाइल्स जो होती है वो डॉट टीएमपी फाइल बनाती है आप टीएमपी फाइल जो है वेब ब्राउजर भी क्लियर करते बनाते हैं तो उसके अंदर आपकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री

टेम्प्रेरी फाइल्स पे टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स पे जो आपको डिलीट करनी है ओके okay करना एक कन्फर्मेशन मैसेज अपीयर होगा उसको भी डिली uh, उसके बाद क्लिक डिलीट फाइल और सारी सारी आपकी टेम्पररी फाइल्स या फिर केस डाटा डिलीट हो जाएगा ऐसे अगर आपको फाइल uh, जो आपकी टेम्पररी फोल्डर्स की फाइल है उनको कैसे रिमूव करोगे प्रेस विंडोज uh, बटन और आर दोनों को दो विंडोज बटन को भी और आर को भी दोनों uh, को प्रेस करना कीबोर्ड से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा टाइप परसेंटेज टेम्प परसेंटेज को टाइप करना एक टेम्प फोल्डर ओपन होगा एक टेम्प फोल्डर ओपन होगा कंट्रोल ए करना ताकि आपके फोल्डर की सारी फाइल इकट्ठी हो जाए डिलीट कर देना कंफर्मेशन बॉक्स आएगा टू कंफर्म कर देना और सब कुछ डिलीट हो जाए और फायर क्या होता है ये कंप्यूटर फायर जो है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि आपका नेटवर्क में क्या आ रहा है क्या जा रहा है सब कुछ मॉनिटर करना कंट्रोल करना कहाँ से क्या आ रहा है और एंटी है ये टाइप का और कुकीज क्या होती है जब भी आप ब्राउजर पे को या फिर कहीं पे भी किसी

Thank you so much